नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा अभी अभी क्या नोटिस निकाला गया है उसको लेकर इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर काफ़ी छात्र परेशान है कि अभी तक एनटीए और यूजीसी और सही शिक्षा मंत्रालय हो तीनों में से एक ही तरफ से भी बयान नहीं आया है। सीबीआई के इनपुट लीक हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गए, इसके बाद भी इतनी बड़ी एजेंसियों का 10 लाख छात्रों के प्रति इस प्रकार के रवैये के बाद छात्र चिंतित है। लेकिन एनटीए की परीक्षा को लेकर जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एनटीए इस बार क्या करवाने वाला है। मित्रों, बात करूँ एनटीए के द्वारा हाल ही के अंदर सीएसआईआर नेट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया था और सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम इसी सप्ते अगले सप्ते होने वाली है। साथियों, आपको मैं बता दूं यूजीसी नेट परीक्षा जो 21 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाली है उसका भी पूरा का पूरा ब्यौरा 1 महीने पहले आना प्रस्तावित तो बताया जा रहा है, यानी कि 20 जुलाई 2024 तक पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा कि किस दिन किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम यूजीसी करवाने वाला है और ये आगामी 3 दिनों के अंदर आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। साथियों, अगर शेड्यूल जारी नहीं होता है तो एनटीए का अपडेट भी आ जाएगा। दिक्कत अभी ये आ रही है कि सीबीआई ने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की है और चार्जशीट फाइल नहीं करने की वजह से एनटीए के पास कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो कुछ डिसीजन ले सकें। एक बार कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी उसके बाद एनटीए से जवाब मांगा जाएगा, यूजीसी से जवाब मांगा जाएगा कि आप आखिर किस प्रकार इस परीक्षा को रद्द किए हैं, उसके बाद उनका स्टैंड बदल सकता है और इसमें 1 हफ्ते का समय और लग सकता है।